नहीं हुआ DMIT स्टूडेंट, तो इससे पैदल होती है मेरा आजकल एक तरफ का जिसके ऊपर है हॉर्निंग के ऊपर, कि हॉर्निंग जो है यानी किसी चीज को शार्प करना वो अपन किस तरीके से करेंगे, यानी जो माइक्रोफोन का नाइफ है उसको शार्प किस तरीके से करेंगे, उसको शार्प करने के लिए कौन से मटेरियल को और कौन से मेथड्स को अपन काम में लेंगे। आज का लेक्चर अपन शुरू करने से पहले एक बार क्या है पिछले का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं, जो किसके किसके ऊपर था सेक्शन एडहेसिव के ऊपर, यानी सेक्शन को स्लाइड के ऊपर चिपकाने के ऊपर था, उसको क्या एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए सेक्शन एडहेसिव क्या होता है, तो टिश्यू एडहेसिव आर सब्सटेंस विच आर नियर ऑन द स्लाइड, सो द टिश्यू स्टिक फर्मली टू द स्लाइड एंड कैन बी प्रिजर्व फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। यानी सेक्शन एडहेसिव क्या है, पदार्थ है जो क्या है कि नियर या सेक्शन को उसके ऊपर चिपकाए रखता है, जिसके ऊपर स्लाइड के ऊपर टिश्यू सेक्शन को अच्छे तरीके से स्टिक फर्मली यानी अच्छे तरीके से चिपकाए रखता है और उसको क्या है स्लाइड को लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सके। नेक्स्ट, routinely sections are well dry and do not contain air bubbles. The tissue is well adhered and section adhesive are not required. routinely क्या है जो sections होते हैं उनके अंदर क्या है air bubbles नहीं होती और क्या mounting के बाद वो क्या है अच्छे तरीके से dry होते हैं, सुखा किए जाते हैं hot air on के अंदर। The tissue is well adhered and section adhesive are not required. ऐसे sections जो होते हैं वो क्या है जिनके अंदर air bubble नहीं हो और जो अच्छे तरीके से ड्राई हो चुके हैं वो क्या है अच्छे तरीके से चिपक जाते हैं जिसके ऊपर स्लाइड के ऊपर, तो उनको क्या है सेक्शन एडहेसिव की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट, बट विद कंटेन स्टेनिंग रिक्वायर्ड एल्केलाइन मीडियम लाइक अमोनियम द टेंड्स टू डीएसएस। और क्या है कुछ क्या है लेकिन क्या है कुछ कंडीशन में जैसे स्टेनिंग के अंदर क्या है एल्केलाइन मीडियम की जरूरत पड़ गई उस टाइम पे क्या है अमोनिया होता है जो क्या सेक्शन को री अटैच कर देता है। आल्सो फॉर्म फिक्सेटिव कंटेनिंग क्रोमियम सो दैट टिश्यू सेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर सेक्शन एडहेसिव फॉर अटैचिंग ऑन द स्लाइड। यानी आल्सो फॉर्म फिक्सेटिव कंटेनिंग क्रोमियम यानी कुछ फिक्सेटिव के अंदर कौन सा कंटेंट प्रेजेंट रहता है क्रोमियम प्रेजेंट रहता है सो दैट यानी वो इसीलिए टिश्यू सेक्शन is required for section adhesive। और इसलिए उनके अंदर किसकी रिक्वायरमेंट रहती है उनको sections को स्लाइड के ऊपर रखने के लिए section adhesive की रिक्वायरमेंट रहती है। रिक्वायरमेंट रहती है तो क्या है सेक्शन एडहेसिव की रिक्वायरमेंट रहती है।
टाइप ऑफ सेंसर एडहेसिव टाइप कौन से प्रकार के सेंसर एडहेसिव काम में लिए जाते हैं, जैसे एल्बुमिन हो गया, जिलेटिन हो गया, साक्स हो गया, या फिर अरेल टाइट हो गया या एगार हो गया। नेक्स्ट देखिए टाइप ऑफ सेक्शन एडहेसिव, यानी अलग अलग प्रकार के क्या सेक्शन एडहेसिव काम में लिए जाते हैं, जैसे एल्बुमिन है। तो एल्बुमिन इज द मोस्ट कॉमन एंड चीपेस्ट एडहेसिव, यानी एल्बुमिन जो क्या है सबसे ज्यादा काम में लिए जाने वाला और चीपेस्ट यानी सस्ता क्या है एडहेसिव है। इट इज ऑब्टेंड फ्रॉम द व्हाइट पार्ट ऑफ एग। और एल्बुमिन को अपन कहां से प्राप्त करते हैं कि व्हाइट पार्ट ऑफ एग यानी अंडे के सफेद पार्ट से पार्ट क्या है प्राप्त करते हैं इसको। नेक्स्ट फोर रूटीन यूज्ड इक्वल पार्ट ऑफ एग व्हाइट एंड डिस्टिल्ड वाटर मिक्स्ड इन ग्लिसरीन एंड डिस्टिल्ड थ्रू कोर्स फिल्टर पेपर। और जो एल्बुमिन है उसको काम में लेने के लिए अपन किस तरीके से मैक करते हैं, उसका कंपोजिशन किस तरीके से बनाते हैं। तो 1% पार्ट तो किसका लेते हैं, यानी कि 1 पार्ट तो किसका लेते हैं एग का लेते हैं, दूसरा पार्ट किसका लेते हैं डिस्टिल्ड वाटर का, और तीसरा पार्ट किसका लेते हैं ग्लिसरीन का लेते हैं। और इन तीनों पोर्शन को क्या है फिल्टर पेपर से मिक्स करने के बाद फिल्टर कर लेते हैं और फिर क्या इनको काम में लेते हैं। नेक्स्ट देन ए क्रिस्टल ऑफ थाइमोल इज एडेड टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई। और फिर क्या है एल्बुमिन का तो सोल्यूशन आपने प्रिपेयर किया है इसके लिए सेक्शन एडहेसिव के लिए, उसमें क्या है क्रिस्टल डाल देते हैं किसका थाइमोल का, तो क्या है उसके अंदर बैक्टीरिया और फंगाई की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है बचाता है। पॉलीमराइजेशन करोगे तो वो क्या है जैसे सेक्शन एडहेसिव को छुपाओगे तो वो क्या है
लाइट के और क्या सेक्शन के बीच में रेल लाइट क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट करेगा. नेक्स्ट, ऑल्सो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट सम स्टेन गिव ब्रिलियंट स्टेनिंग विद रेल लाइट. और क्या है, कुछ स्टेनिंग के साथ क्या है रेल लाइट क्या है अच्छे तरीके से अच्छे तरीके की स्टेनिंग रिजल्ट शो करता है, ब्रिलियंट रिजल्ट शो करता है. किस तरीके से काम में लेते हैं अपन, मोल्टन एगार के रूप में काम में लेते हैं और जिसको कहां पे मिक्स करते हैं अपन, वाटर बाथ के अंदर मिक्स करते हैं. नेक्स्ट, जिलेटिन कैन आल्सो बी वार्म्ड एंड एडेड टू द वाटर बाथ. जिलेटिन को भी अपन क्या है एगार के रूप में काम में ले सकते हैं और उसको क्या है वार्म करते हैं, गर्म करते हैं और कहां पे ऐड करते हैं, वाटर बाथ के अंदर, वाटर बाथ के अंदर ऐड कर देते हैं, जिससे क्या है वो सेक्शन के ऊपर आ जाता है ऑटोमेटिकली और जो टिश्यू सेक्शन है वो क्या है चिपक जाता है. नेक्स्ट देखिए, हाउ टू यूज एडहेसिव, यानी जो एडहेसिव है टिश्यू एडहेसिव है उनको किस तरीके से आप काम में लेते हो. तो हाउ टू यूज एडहेसिव में देखिए, तो मोस्ट ऑफ एडहेसिव आर फिल्टर टू कोट फिल्टर पेपर बिफोर यूज, यानी मोस्टली जो क्या है एडहेसिव होते हैं उनको काम में लेने से पहले क्या कर देते हैं फिल्टर कर देते हैं, यानी क्या है काम में लेने से क्या है बिफोर क्या कर देते हैं उनको फिल्टर पेपर के साथ काम में लेते हैं. नेक्स्ट, a very little yeah very thin layer of the adhesive is spread uniformly over the glass slide using your index finger. yani kya hai ek thin layer apan kya banate hain glass slide ke upar banate hain section ko lene se pehle slide ke upar ek patli uniformly layer banati hai, uniform ka matlab similar ek jaisi layer banate hain slide ke upar index finger ki help se aur fir kya uske upar kya hai ki apan kya lete hain tissue section ko le lete hain. आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है हॉर्निंग या एब्रेसिव रीडिंग के ऊपर. हॉर्निंग या एब्रेसिव रीडिंग क्या होती है, तो हॉर्निंग एज डिफाइंड एज एब्रेसिव रीडिंग ऑफ द पैक्ट ऑफ माइक्रोटोन लाइन. हॉर्निंग यानी इसको शार्प करना या टीका करना. तो हॉर्निंग और एब्रेसिव रीडिंग को अपन किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, यानी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि माइक्रोटोन लाइन जो है माइक्रोटोन की जो ब्लेड है उसको शार्प करना, उसी को क्या बोलते हैं अपन हॉर्निंग बोलते हैं. नेक्स्ट, हॉर्निंग कैन बी डन यूजिंग आइदर, यानी हॉर्निंग जो है यानी माइक्रोटोन के नाइफ को इन तीन मेथड से अपन क्या है शार्प कर सकते हैं, उसकी धागो को क्या तेज कर सकते हैं. तो देखिए, नेचुरल स्लॉप्स ऑफ स्टोन विद एब्रेसिव प्रॉपर्टी, यानी जो नेचुरल स्लॉप्स है यानी प्राकृतिक जो स्लॉप्स है पत्थर है उनको क्या स्टोन है उनको क्या है एब्रेसिव प्रॉपर्टीज के साथ अपन काम में ले सकते हैं, यानी एब्रेसिव ग्रेडिंग के लिए काम में ले सकते हैं. नेक्स्ट, कंपोजिट स्लॉप्स ऑफ एब्रेसिव मटीरियल वेरियस ग्रेडिंग, वो जो कंपोजिट स्लॉप्स है यानी किसी चीज से बने हुए जो स्लॉप है एब्रेसिव मटीरियल है उनको भी क्या है ग्रेटल है उनको भी अपन क्या है हॉर्निंग के रूप में काम में ले सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल है उसके एनोक्साइट हो गया, कार्बन ड्रम हो गया, ये क्या है दोनों ही क्या है कंपोजिट स्लॉग है. नेक्स्ट, ग्लास प्लेट कॉपर और ब्रिज प्लेट विद एडेड एब्रेसिव, और क्या है ग्लास प्लेट को या फिर कॉपर या ब्रिज प्लेट को भी अपन क्या है एब्रेसिव के रूप में यानी चीज को शार्प करने के काम में ले सकते हैं. शुरू से देखिए कि हॉर्निंग या एब्रेसिव ब्लीडिंग क्या है, तो हॉर्निंग इज डिफाइंड एज एब्रेसिव ब्लीडिंग ऑफ द फैक्ट ऑफ माइक्रोटोम नाइफ, यानी हॉर्निंग और एब्रेसिव ब्लीडिंग क्या है माइक्रोटोम नाइफ को शार्प करना, उसको क्या है होम करना. नेक्स्ट, हॉर्निंग कैन बी डन यूजिंग आइदर, और जो हॉर्निंग है यानी किसी चीज को साफ करना है डिस्क्राइब करते हैं कौन से मेथड से कर सकते हैं. नेचुरल स्लॉप्स ऑफ स्टोन विद एब्रेसिव प्रॉपर्टी, जो नेचुरल स्लॉप्स है
उनको क्या स्टोन है, उनको क्या है, वैसी प्रॉपर्टीज के साथ अपन क्या है उनकी हेल्प से क्या है अपन लाइफ को सर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट, कंपोजिट स्लॉब्स ऑफ एब्रेसिव मटेरियल वेरिएंट ग्रेटर. और क्या है कंपोजिट स्लॉब, यानी स्लॉब्स जो है यानी किसी चीज से मिलकर बने हुए जो स्लॉब्स है, स्टोन है या फिर अलग कोई मटेरियल है, एब्रेसिव मटेरियल है जिससे क्या अपन सार्व कर सकते हैं लाइफ को, वो कौन से उनके एग्जाम्पल क्या है, एलोक्साइट हो गया या कार्बन ड्रम हो गया. नेक्स्ट, ग्लास प्लेट, कॉपर और ब्रिज प्लेट विद द एडेड एब्रेसिव. ग्लास प्लेट या फिर कॉपर या ब्रिजी प्लेट्स को भी अपन क्या है होनिंग के अंदर या फिर एब्रेसिव ग्रेडियंट के अंदर काम में ले सकते हैं.
नेक्स्ट देखिए मेथड्स ऑफ ओनिंग, यानी ओनिंग के लिए माइक्रोटॉम नाइफ को सॉल्व करने के लिए, अपन सर्व करने के लिए कौन से मेथड काम में लेते हैं। तो मैनुअल मेथड के अंदर देखिए, मैनुअल ओनिंग इज डन यूजिंग ओनिंग स्लॉग्स एंड लाइट ऑयल एंड सोपी वाटर। यानी मैनुअली जो ओनिंग की जाती है उसके अंदर अपन क्या क्या काम में लेते हैं, तो ओनिंग स्लॉग को काम में लेते हैं, लाइट ऑयल को काम में लेते हैं, और सोपी वाटर यानी साबुन या शैम्पू के पानी को या डिटर्जेंट के पानी को काम में लेते हैं। इसमें प्रोसीजर देखिए, द होल इज प्लेस ऑन द नॉन स्किड सरफेस, यानी होल यानी ऐसा सब्सटेंस जिसके ऊपर होल्डिंग करोगे, यानी कोई स्टोन हो गया या फिर अगर कोई गैस फ्लोब हो गया, इसको किसके ऊपर रखना है आपको, नॉन स्किड सरफेस के ऊपर, यानी ऐसी सरफेस जिसके अंदर क्या हो, फिसलन ना हो। नेक्स्ट, लिटिल अमाउंट ऑफ लाइट ऑयल और सोपी वाटर इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ होल यूनिफॉर्मली, और क्या है कुछ मात्रा यानी बहुत कम मात्रा क्या है लाइट ऑयल की या सोपी वाटर की इसके ऊपर अप्लाई कर देते हो आप, होनिंग यूनिफॉर्मली यानी कि सरफेस के ऊपर आप होनिंग करोगे, उस सरफेस के ऊपर होन के ऊपर क्या है आप उस सोपी वाटर को लाइट ऑयल को अप्लाई कर देते हो यूनिफॉर्मली यानी अच्छे तरीके से, यानी पूरे स्लोब के ऊपर या पूरे होन के ऊपर। नेक्स्ट, द नाइफ इज फिक्सड इन द नाइफ होल्डर एंड इट्स प्लेस ऑन द स्लोब विद द कटिंग एज फेसिंग अवे, यानी क्या है जो नाइफ है उसको आप किसमें फिक्स करोगे, नाइफ होल्डर के अंदर फिक्स करोगे, तो उसको क्या है स्लोब के ऊपर, जो स्लोब है यानी जो स्टोन है जिसके ऊपर क्या है होनिंग करोगे उसके ऊपर प्लेस करोगे, उसका जो कटिंग सरफेस है यानी जिस साइड से आप कटिंग करोगे उसको क्या है स्लोब के ऊपर रखोगे यानी फेसिंग अवे रखोगे। तो मैनुअल मेथड को आप किस तरीके से काम में लेते हो, कि मैनुअल मेथड इज डन या डूइंग यूजिंग होनिंग स्लोब्स एंड लाइट ऑयल या सोपी वाटर। इन मैनुअल मेथड के अंदर अपन क्या क्या काम में लेते हैं, होनिंग स्लॉग्स को काम में लेते हैं, लाइट ऑयल को काम में लेते हैं, सोपी वाटर को काम में लेते हैं। तो प्रोसीजर में क्या है कि अपन सबसे पहले होन को नॉन स्किड सरफेस पे रखते हैं, फिर उसके ऊपर होन यानी जिसके ऊपर क्या है आपको होनिंग करनी है, जिसके ऊपर आपको माइक्रोटॉम नाइफ को सार्प करना है, उसके ऊपर क्या है स्टोन के ऊपर स्लॉग के ऊपर अपन क्या अप्लाई करेंगे, लाइट ऑयल लाइट ऑयल या सोपी वाटर अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, द नाइफ इज फिक्सड इन द नाइफ होल्डर एंड इज प्लेस ऑन द स्लॉब, ठीक है आपको नाइफ जो है उसको किसमें होल्ड करना है, नाइफ होल्डर के अंदर होल्ड करना है, पकड़ना है, उसको किसमें स्लॉब के ऊपर फिक्स कर देना है, उसकी जो सरफेस जिस साइड से कटिंग करते हैं उसको कहाँ पे रखना है, स्लॉब के ऊपर रखना है। नेक्स्ट देखिए, द नाइफ होल्डेड विद राइट हैंड थंब एंड द नाइफ होल्डर होल्ड विद द लेफ्ट हैंड थंब, द फिंगर्स फॉर्मिंग बी शेप होल्डिंग द नाइफ एट द टोई एंड, द नाइफ होल्डर जो नाइफ होल्डर उसको किसकी हेल्प से पकड़ोगे, यानी जो नाइफ का आउटर किनारा यानी जो नाइफ का किनारा है उसको राइट हैंड के थंब से पकड़ोगे, और जो नाइफ होल्डर है उसको किसके थंब से पकड़ोगे, यानी नाइफ होल्डर के नजदीक जो किनारा है उसको किसकी हेल्प से पकड़ोगे, लेफ्ट हैंड के थंब से पकड़ोगे, एंड फिंगर्स मूविंग शेप्ड होल्डिंग द नाइफ, और फिर क्या है जो फिंगर्स है आपकी जो लेफ्ट हैंड की है उसको क्या है नाइफ होल्डर को अच्छे तरीके से पकड़े रहेंगे वी शेप के अंदर, एट द टोई एंड यानी वो जो किनारा है यानी नाइफ होल्डर का जो लास्ट किनारा है वहां तक वो उसको पकड़े रखेंगे। नेक्स्ट, द नाइफ इज प्लेस विद कटिंग एंड फेसिंग अवे एंड टोई एंड लेइंग इन द सेंटर पोजिशन, यानी जो नाइफ की जो कटिंग सरफेस है यानी जिस टाइप की आप कटिंग करते हो सेक्शन कटिंग करते हो वो कहाँ पे रखनी है आपको, स्लॉब के ऊपर रखनी, जहाँ पे आप क्या करोगे होनिंग करोगे यानी नाइफ को सार्प करोगे, और उसका जो टोई पॉइंट है यानी जो नाइफ होल्डर का एंड पॉइंट है उसको कहाँ पे रखोगे, स्लॉब के सेंटर के अंदर रखोगे। नेक्स्ट, नाउ विथ यूनिफॉर्म प्रेशर द नाइफ इज पुश इन द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ द स्लॉब, वो क्या यूनिफॉर्म प्रेशर यानी नाइफ जो उधर प्रॉपरली प्रत्येक किनारे के ऊपर जितना प्रेशर एंड पॉइंट पे उतना ही स्टार्टिंग पॉइंट पे या मीडियम पॉइंट पे प्रॉपरली उतना ही प्रेशर रखे, आप उसको पुश करोगे किसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन के ऊपर, इसके ऊपर स्लॉब के ऊपर यानी स्टोन के ऊपर।
After some changes, the knife side and repeat this procedure, rubbing procedure of knife on slab. तो ये जो procedure है कि knife को आगे पीछे rub करने का backward and forward जो direction का procedure है slab के अंदर वो repeat चलता रहेगा. कुछ time के बाद में क्या है knife की जो side है उसको change कर दोगे, दूसरी side से क्या आप ये procedure करोगे. This procedure is continuous till the knife is become sharp. पर ये प्रोसीजर कब तक चलता रहेगा, जब तक नाइफ क्या ना जाए सार्प ना जाए तीखा ना जाए. शुरू से देखिए कि आपको क्या करना है, नाइफ होल्डर का जो यानी नाइफ जो है माइक्रोटोन से रिलेटेड उसको राइट हैंड के थंब से पकड़ना है, और नाइफ होल्डर जो है उसको किससे पकड़ना है, लेफ्ट हैंड के थंब से पकड़ना है. और जो फिंगर है आपकी लेफ्ट हैंड की उसको क्या है वी शेप के अंदर रखे नाइफ होल्डर को पकड़ना है. यानी दो ही पॉइंट जो एंड पॉइंट है किसका, नाइफ होल्डर का. नेक्स्ट फिर क्या करना है, द नाइफ इज प्लेस विद द कटिंग एट फेसिंग सरफेस. और जो कटिंग सरफेस है माइक्रोटोम नाइफ की उसको क्या है स्लोप के ऊपर रख देना है. और जो तोरी है यानी जो एंड प्रोडक्ट है ना एंड पॉइंट है नाइफ होल्डर का उसको क्या है बीच में रखना है, सेंटर में रखना है. नाउ विद यूनिफॉर्म प्रेशर द नाइफ इज पुशिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन स्लोप. और ये जो नाइफ यानी यूनिफॉर्म यानी यूनिफॉर्मिटी कहते हैं यानी सभी जगह इक्वल क्या है आपको प्रेशर अप्लाई करना है इसके अंदर किसके ऊपर नाइफ के ऊपर. और आपको क्या है बैकवर्ड और क्या है फॉरवर्ड पोजीशन के अंदर स्लोप के ऊपर नाइफ को क्या करना है रब करना है घिसना है. नेक्स्ट यानी घिसना कौन सा पोर्शन जिस साइड से आप कटिंग करोगे. आफ्टर सम टाइम चेंज द नाइफ साइड. कुछ समय बाद क्या नाइफ की दूसरी साइड से आप साइड आपको चेंज कर देनी है एंड रिपीट दिस प्रोसीजर रबिंग. तो ये जो रबिंग का प्रोसीजर था यानी बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो प्रोसीजर है स्लोप के ऊपर नाइफ को घिसने का वो रिपीट चलता रहना है. नेक्स्ट दिस प्रोसीजर कंटिन्यूस टिल द नाइफ इज बिकम शार्प. और ये प्रोसीजर आपको कब तक करना है, जब तक जो नाइफ है जो चाकू है माइक्रोटोम नाइफ है वो कब तक क्या ना दे शार्प ना दे तीखा ना दे. नेक्स्ट देखिए स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या है, अपन माइक्रोटोम की साइड को रब कर रहे हैं इसके ऊपर. ये तो क्या है कि एक इक्विपमेंट है, अपन क्या इसी तरीके से अपन किसके ऊपर रब करते हैं स्लोप के ऊपर या फिर क्या स्टोन के ऊपर. फिर क्या स्टेप सेकंड यानी दूसरी साइड जो नाइफ के 20 डिग्री के एंगल पे उसको रब करते हैं यानी क्या रबिंग करते रहते हैं उसको घिसते रहते हैं जिससे क्या है उसकी दोनों साइड जो है जिस साइड से आपको कटिंग करनी है वो क्या हो जाए शार्प हो जाए. और तीसरी साइड क्या है उसका जो एंड पॉइंट एंगल जो है है उसको शार्प करते रहते हैं. इसी तरीके से शार्पनिंग का जो प्रोसीजर है वो चलता रहता है. इसी तरीके से क्या है अपन नाइफ को शार्प करते हैं. यानी फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट है फर्स्ट है सेकंड टाइप पे सेकंड साइड और थर्ड में उसका जो बेस है किनारा उसको शार्प करते हैं. तो ये क्या है मैनुअल मेथड है. ये मैनुअल मेथड अपन किसके ऊपर करते हैं स्टोन के ऊपर करते हैं या स्लोप्स के ऊपर करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर रहेगा कंटिन्यू रहेगा होल्डिंग के ऊपर स्टॉपिंग के ऊपर. यानी होनी के अंदर स्टॉपिंग जो सेकेंड स्टेप है जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं माइक्रोफोन नाइफ को सार्व कर सकते हैं वो क्या है स्टॉपिंग है. थैंक्स टू ऑल.